डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लियर है? सभी बच्चे फटाफट जल्दी से जल्दी जुड़े, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाए हमसे। प्यारे बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे थे और आप लोगों को पता है कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चार क्लासें पढ़ ली। आज हमारी पांचवी क्लास है और इन चार क्लासों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा था साफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसके बाद आपने लोकलाइज्ड एनडी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड पढ़ा, इसके बाद आपने रेजोनेंस को भी पढ़ लिया था और इसका एक चैप्टर और आना है रेजोनेंस का, वो बहुत जल्दी दीपक सर आपके सामने लेके आने वाले हैं। क्लियर? और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं बच्चों, वो है हाइपर कंजुगेशन। क्लियर? देखो, हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, है ना, अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो हाइपर कंजुगेशन को अपन लोग बोलते हैं अति पर संयुग्मन प्रभाव। क्लियर? हाइपर कंजुगेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं अति पर संयुग्मन प्रभाव। क्लियर? ओके, तो भाई संयुग्मन का मतलब आप समझते हो कंजुगेशन। ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन की, कहने का मतलब हम अति पर संयुग्मन प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो अपना हाइपर कंजुगेशन है उसको क्या क्या बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये स्टूडेंट्स, देखो अति पर संयुग्मन जो होता है उसका एक और नाम है साहब, इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी कहा जाता है साहब। क्या बोलते हैं? बेकर नाथन इफेक्ट भी उसको कहते हैं। फिर इसका एक सीन और है, इसको अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्लियर? तो हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अति पर संयुग्मन प्रभाव। क्लियर? उसका एक और नाम है, कौन सा नाम है? बेकर नाथन इफेक्ट। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है कि भैया जो हाइपर कंजुगेशन जो होता है उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर? अब बात आती है साहब कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं। क्लियर? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन की जो डेफिनेशन है उसको हम इजीली बात करेंगे इसके बारे में, और हाइपर कंजुगेशन क्यों होता है, हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो क्यों होता है उसकी बात भी करने वाले हैं, किसके कारण होता है इसकी भी अपन लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने टर्म यूज की, मैं कह रहा हूँ, मैं ये बोल गया कि भैया हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब क्या? देखो भाई, इसका मतलब क्या है? देखो, मतलब ये कि साहब मान लीजिएगा ये रिंग है और इसके ऊपर मैं इस CH बॉन्ड की बात करता हूं, यहां पे हमने नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि भैया इसके अंदर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है वो यहां से यहां पे आ जाता है। क्लियर? अब ये हाइड्रोजन तो यही है लेकिन बॉन्ड जो है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर? तो हमने क्या देखा, हम हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं साहब, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अति पर संयुग्मन प्रभाव। और क्या बोलते हैं इसको? इसको बेकर नाथन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहां से यहां पे माइग्रेट हो जाता है, यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन जहां था वहीं रहता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां से आगे चलते हैं। देखो हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। क्लियर? जैसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अपन ने देखा था साहब, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेंपरेरी इफेक्ट। हमने परमानेंट इफेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी उसके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की थी साहब,
क्लियर। और टेम्पोरल इफेक्ट जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था तब हमने वहां पे टेम्पोरल इफेक्ट की भी बात की थी। ओके तो प्यारे बच्चों यहां से एक चीज अपन को ये ध्यान रखनी है कि भैया जो हाइपर कंजुक्शन है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, क्लियर। और दूसरी चीज ये कि ये एक टाइप का परमानेंट इफेक्ट है, क्लियर। बोले तो कैसा? परमानेंट, क्लियर, परमानेंट इफेक्ट है ये। तो यहां से ये चीज ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी कि हाइपर कंजक्शन जो है वो एक टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है और वो भी किस टाइप का? परमानेंट, क्लियर, परमानेंट इफेक्ट है, क्लियर। तो ये मोटे मोटे तौर पर हमने हाइपर कंजक्शन का इंट्रोडक्शन कर लिया, क्लियर। ओके कुछ बच्चे बोल रहे हैं साहब कि सर हमारे एग्जाम होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। अरे भैया एग्जाम होने वाले हैं इसलिए तो हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, क्लियर। पूरे संभाग के अंदर और राजस्थान के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग आपके लिए गुरुकुल कॉलेज अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन और लाइव क्लास चला रहा है ताकि अपने बच्चों का नुकसान न हो सके। बच्चों आपके लिए ये क्लास हम लोग लेके आ रहे हैं, निश्चित तौर पे आप लोग समझ लेना कि एग्जाम तो आपके होने ही होने हैं, क्लियर। और आपके लिए गुरुकुल कॉलेज जो है वो डेली की डेली क्लासेस लाइव और ऑनलाइन चला रहा है ताकि इस कोरोना काल में भी हमारे कॉलेज के बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। ओके तो आपको फुल माइंडसेट से पढ़ाई करनी है। सभी बच्चों के एग्जाम होंगे भाई, सभी बच्चों के एग्जाम होंगे, ये सुन लेना, ये कमिटमेंट कर रहा हूँ। और बीएससी बीएड वाले आपके तो एग्जाम जल्दी होने वाले हैं इसलिए हमने पेंडिंग कोर्स जो है वो शुरू कर दिया। इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया डेली के डेली जो क्लास हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यू देखें, पूरी क्लास वॉच करें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको बार बार रिपीट करें। और हम जो चीज यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं उसको आप अपने नोटबुक के अंदर कंटिन्यू करें। बच्चों नोटबुक के अंदर आप उसको नोट्स के रूप में प्रिपेयर करें क्योंकि यही चीज जो हम पढ़ा रहे हैं वो ही एग्जाम में आने वाली है, क्लियर। इसलिए दिमाग से ये चीज निकाल देना कि भाई एग्जाम होंगे तो हम पढ़ेंगे। बच्चों टाइम बिल्कुल नहीं है, एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें और हमसे जुड़े। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का बटन आता है उसको प्रेस करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट है वो आप तक आ जाए, क्लियर। तो प्यारे बच्चों एक बार वापस हम टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो हाइपर कंजक्शन की बात करते हैं, हम लोगों ने देख लिया एक टाइप का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, कौन सा वाला है, परमानेंट है। हाइपर कंजक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? अति परसंयुग्मन प्रभाव, और क्या बोलते हैं? बेकर नाथन प्रभाव, और क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस, और नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला हमने उसको भी देख लिया, क्लियर। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, क्लियर। असली जो 24 कैरेट सोने वाली बात जो है उसको हम लाते हैं साहब, क्लियर। असली 24 कैरेट सोना, सुपर सोना। देखो भैया होता क्या है कि ये जो हाइपर कंजुगेशन जो है वो एल्किल ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? एल्किल ग्रुप, क्लियर। ध्यान रखना साहब कि जो हाइपर कंजुगेशन जो है वो एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह के ऊपर डिपेंड करेंगे, क्लियर। और एल्किल ग्रुप में भी हमें क्या देखना है? एल्किल ग्रुप में भी हमें जो चीज देखनी है वो क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं, हमें अल्फा हाइड्रोजन को रिएक्ट करना है और अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे हाइपर कंजुगेशन को समझना है, क्लियर। तो मैं अगर यहां से ये चीज कहूं कि भैया जो हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो एल्किल समूह के कारण होता है तो ये चीज बिल्कुल राइट, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन जो है वो एल्किल समूह के कारण ही होता है। और एल्किल समूह के अंदर भी क्या देखना है अपन को? अल्फा हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उनके ऊपर बेस जो होता है क्या होता है? अति परसंयुग्मन हाइपर कंजुगेशन। पहले बच्चों एल्किल ग्रुप क्या करेगा? हाइपर कंजुगेशन करेगा। अगर एल्किल ग्रुप होगा तो ये आपका हाइपर कंजुगेशन होगा और एल्किल ग्रुप में भी किसके ऊपर डिपेंड है? अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर डिपेंड है, क्लियर। देखो और इसको अपन डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं कि भैया क्या क्या चीज चलती है हाइपर कंजुगेशन के अंदर। देखो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, क्लियर। ये क्या है? एल्किल बेंज जिसको अपन क्या बोलते हैं? टालुल, क्लियर।
देखो दूसरे एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे एग्जांपल के अंदर मैंने एक हाइड्रोजन को हटा के लिख दिया CH3, क्लियर, ओके। तीसरे के अंदर मैंने क्या किया, एक एच को और हटा के इसकी जगह एल्किल को मतलब CH3 को जोड़ दिया। मैं यहां पे जोड़ रहा हूं CH3, क्लियर। और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 की बात करें तो भैया मैंने एक हाइड्रोजन को और हटा लिया और इसकी जगह क्या लिख लिया, CH3, क्लियर। अरे बच्चों इसको समझना, अब समझने वाली बात ये है साहब, क्लियर, समझने वाली बात ये है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर मेंडुला ऑब्लॉंगाटा होता है, क्लियर, उसके अंदर होती है बुद्धि, क्या होती है बुद्धि, उस बुद्धि का उपयोग हमें यहाँ पे करना है साहब। देखो सबसे पहले बात, इन एग्जांपलों को देखने से पहले अपन थोड़ा बैक जाते हैं साहब, जो पहले हम लोगों ने पढ़ लिया उसकी हम लोग बात करें। मैंने क्या कहा था कि हाइपर कंजुगेशन जो है वो एल्किल ग्रुप के कारण होता है, एल्किल समूह के कारण होता है, और एल्किल ग्रुप में भी अपन को क्या ढूंढना है, अल्फा हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे साहब अल्फा हाइड्रोजन कैसे ढूंढे, क्लियर, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ साहब, क्लियर। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी एल्किल बेंजीन के अंदर, यदि किसी एल्किल बेंजीन के अंदर अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या देखते हैं बोर्ड पे, देखना भाई बोर्ड पे देखना आप लोग कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बच्चों देखो इस एग्जांपल को अपन लोग हाइपर कंजुगेशन के अंदर समझते हैं, क्लियर। देखो यहाँ पे इस एग्जांपल को अपन लोगों को समझना है, क्लियर, मैं थोड़ा उसको अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे अपन ने लाइन लिया हाइड्रोजन और यहाँ पे कौन था CH3, क्लियर, ओके। इस एल्काइल बेंजीन को अपन हाइपर कंजुगेशन के लिए इसको अच्छे से समझते हैं, क्लियर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, देखो यहाँ पे अपन को सबसे पहले देखो मैंने ये कह दिया कि भाई हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो एल्किल ग्रुप शो करता है, और एल्किल ग्रुप के अंदर हम लोग क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है सर, क्लियर। तो देखो सबसे पहले अपन इस एग्जांपल को पकड़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि साहब अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए, क्लियर, ओके। देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन को अपन को आइडेंटिफाई करना है, क्लियर, ओके। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं साहब अल्फा हाइड्रोजन को अपन लोगों को आइडेंटिफाई करना है। देखो अपन इस एग्जांपल की बात करते हैं साहब कि इस एग्जांपल के अंदर देखो इस एग्जांपल के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर, ठीक है। देखो रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, ये अल्फा कार्बन, क्लियर, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले नंबर 1 ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, नंबर 2 ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, नंबर 3, क्लियर। तो इस पहले एग्जांपल के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस पहले एग्जांपल के अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। कैसे किया, रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, क्लियर। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं, 3, क्लियर, ओके। देखो यहां पे बात करते हैं बच्चों, देखो ये रिंग है, रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और हमें यहां पे चेक करना है कि इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, क्लियर। देखो भाई देखो यहां से रिंग, रिंग से जुड़ा कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो अल्फा पोजीशन पे है उनको अपन को बेसिकली काउंट करना है, क्लियर। क्योंकि देखो यहां से ये कार्बन, क्लियर, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां से इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहां से इस कार्बन से, यहां पे इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप है ना जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो यहां पे इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की अपन लोग जब बात कर रहे होते हैं तो कितने, 1 और 1, ये 1 + 1 कितने हो गए, 2, क्लियर।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इतने हो गए बच्चों, तो क्लियर। यहाँ पे अपन बात करते हैं, देखो ये रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के इस और कौन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, क्लियर। इस और कौन लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, और इस अल्फा कार्बन से यहाँ पे कौन लगा हुआ है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की हम जो बात कर रहे होते हैं तो कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, एक, क्लियर। यहां से चलते हैं, इस एग्जांपल की बात करते हैं। पहले बच्चों देखो, यहां से देखो रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और यहां पे 1, 2 और 3 तीनों पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए यहां पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गए, 0, क्लियर। ओके, तो देखो इस एग्जांपल के अंदर अगर अपन नंबर ऑफ और अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे, अगर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे इसकी स्ट्रक्चर को देखें, तो ये मैक्सिमम यहां से देखिए साहब, अगर किसी एग्जांपल के अंदर देखिए, इस एग्जांपल की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो सब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर 0 है तो इसकी 0 स्ट्रक्चर बनेगी, अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इस एग्जांपल के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, एक, कितने हैं, एक, क्लियर। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितना है, एक है। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एक है तो ये जो एग्जांपल है वो 3 स्ट्रक्चर बनाएगा, कितनी बनाएगा, 3 स्ट्रक्चर बनाएगा, क्लियर। अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, एक ये और ये, एक ये, तो कितने हैं, 2 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 6 स्ट्रक्चर बनाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है, तो ये मैक्सिमम 9 स्ट्रक्चर बनाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमने देख लिया कि साहब अल्फा हाइड्रोजन जो होता है उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और हमने इस एग्जांपल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन से बनने वाली मैक्सिमम स्पीशीज को भी देखा। हम ये कह रहे हैं कि साहब इस एग्जांपल के अंदर अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो 6 स्ट्रक्चर, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 स्ट्रक्चर बनेंगी। अगर हम इस एग्जांपल की स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस स्ट्रक्चर के अंदर, इस प्रकार के एग्जांपल के अंदर जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वह स्पीशीज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसा कि यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसके पास है, कितने हैं, 3, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, क्लियर। इसके बाद कितने हैं, 2, फिर ये, इसके बाद कितने हैं, 1, तो ये, और लास्ट में क्या, 0, सबसे लेस स्टेबल होगा, क्लियर। तो कह रहे बच्चों हाइपर कंजुगेशन के अंदर ध्यान रखना, मोटे मोटे तौर पर अपन को ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार हमने रेजोनेंस के अंदर देखा था कि रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज हो रहा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है उस सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइज्ड होता है, क्लियर। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसका डीलोकलाइज्ड हाइपर कंजुगेशन के अंदर होता है, और हाइपर कंजुगेशन को बेकर नाथन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड जो होता है उसका डीलोकलाइजेशन होता है, वहां पे जो स्पीशीज होती है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती है। कहने का मतलब ये कि अल्फा हाइड्रोजन के अंदर जो हाइड्रोजन जो होता है वो उसी जगह होता है, केवल जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, क्लियर। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि अल्फा हाइड्रोजन की बेस पे जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम लोग देख रहे थे। मैंने ये कहा कि भैया अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रही है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक अल्फा हाइड्रोजन से 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर कैसे बन रही है, देखते हैं एक बार। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, मैंने कह दिया कि एक अल्फा हाइड्रोजन से 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन कैसे बनती है उसको अपन देखते हैं, क्लियर। देखिएगा यहाँ पे, क्लियर, हाइड्रोजन, क्लियर, एल्किल, एल्किल, क्लियर, एल्काइल ग्रुप,
क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, अगर ये रिंग की बात करें, देखो यहाँ पे पूरा कंजुगेटेड वेस्ट रिंग है, ये एक एल्केन बेंजीन है, क्लियर। इसके अंदर सबसे पहले अपन को देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जैसे हम देख रहे हैं कि साहब ये एक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, और ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन की तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, क्लियर। इतने होती है, तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं साहब, क्लियर। इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं कि साहब मैंने ये तो दिया कि तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है, लेकिन तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल कैसे होती है उसकी हम लोग बात करेंगे साहब, क्लियर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साहब कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के अंदर, मैंने ये कहा कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज होता है, क्लियर। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है वो यहाँ से डीलोकलाइज्ड होगा, क्लियर। ये यहाँ पे अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो ये जो बॉन्ड है वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, क्लियर। तो पहली स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो जो पहली स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मिलेगी अपन को, तो पहली स्ट्रक्चर में कार्बन अल्काइल ये बॉन्ड जो था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्लियर हाइड्रोजन। और यहाँ की बात करें यहाँ इस बॉन्ड ने यहाँ टेक किया, इस कारण के ऊपर क्या लग गया, चार्ज बॉन्ड और बॉन्ड, क्लियर। ये बन गई पहली पॉसिबल स्ट्रक्चर, क्लियर। यहाँ से अगर अपन आगे चलें, क्लियर, यहाँ से आगे अपन देखें साहब, तो यहाँ से आगे देखो अगर ये चार्ज यहाँ अटैक करे तो ये बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर। तो अगली जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखने वाली है आपको देखते हैं, दिखेगा कार्बन अल्काइल अल्काइल एच प्लस, क्लियर। इस नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, बॉन्ड, ओके। और ये बॉन्ड जो है वो यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। ये बॉन्ड जो था वो ऑलरेडी इसी कंडीशन के अंदर रहेगा, क्लियर। यहाँ से आगे देखते हैं क्या बच्चों, अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ अटैक करे इस बॉन्ड के ऊपर तो ये बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर, क्लियर। इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो अगली जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगी, वो ये रिंग, क्लियर, बॉन्ड। अगर ये नेगेटिव यहाँ अटैक करे बॉन्ड, क्लियर, इस कार्बन के ऊपर क्या लग गया, नेगेटिव साइन, ऊपर डबल बॉन्ड, कार्बन अल्काइल अल्काइल और H प्लस, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा साहब, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर किसी अल्काइल बेंजीन के अंदर अगर एक अल्फा हाइड्रोजन हो तो इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर पॉसिबल होती है। अगर दो अल्फा हाइड्रोजन हो तो छह स्ट्रक्चर, और तीन अल्फा हाइड्रोजन हो तो नौ स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। तो बच्चों यहां से हमने कवर कर लिया हाइपर कंजुगेशन, क्या होता है हाइपर कंजुगेशन, क्यों बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ध्यान रखने वाली ये बात है कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसका डीलोकलाइजेशन होता है, क्लियर। तो आई होप, उम्मीद करता हूं आपको हाइपर कंजुगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट अगले क्लास के अंदर अगला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर बहुत जल्दी आएंगे, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।